रोड इधर क्लोज है तो इधर से निकलना पड़ेगा, देखता हूँ निकल पाऊंगा या नहीं। जिस जगह जाने के लिए मैं अभी आज इधर आया हूँ, उस जगह का नाम है बालीशर। तो बीच में से रास्ता, दोनों साइड पेड़। सो हेलो गाइस, मैं हूँ अनिमेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी मोटो ब्लॉग। तो गाइस, आप बहुत दिन हो गए रिव्यू का वीडियो में ला रहा हूँ, तो रिव्यू का वीडियो डाल रहा था बहुत दिनों से, तो ब्लॉग कोई नहीं आया। तो आज संडे है, आज सुबह को एक राइड करने का प्लान था, लेकिन कुछ पर्सनल इशू के लिए आज राइड कैंसिल हो गया। तो अभी निकले घर से, अभी टाइम हो रहा है 11:30। तो देखते इधर फ्यूल अप करना होगा थोड़ा, अगर खाली रहेगा तभी घुसाएंगे, नहीं बहुत ज़्यादा फ्यूल। तो गाइस, आज निकले हैं छोटा सा राइड करने के लिए, बहुत दूर नहीं जाएंगे, 80 किलोमीटर की तरह राइड होगा टोटल। तो अभी तो मैं हूँ कल्याणी हाईवे क्रॉस करूँगा। तो गाइस, आज जा रहे हैं दत्तपुर के साइड, क्योंकि उधर थोड़ा खाली एरिया रहता है, ग्राम साइड है, और मेरा थोड़ा छोटा सा काम भी है, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी ले चलूँ मेरे साथ। अगर इस चैनल में आप लोग अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स डालता हूँ इस चैनल में मैं। तो आज निकले हैं जिक्सू को लेके, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। बहुत सुंदर सी प्लेस है दत्तपुर के साइड में, जब ग्राम साइड है उधर मैं जाऊँगा आज, आप लोगों को भी दिखाऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी है शायुंग। तो गाइस, रोड इधर क्लोज है तो इधर से निकलना पड़ेगा, देखता हूँ निकल पाऊंगा या नहीं। गाइस, निकल गया बाइक। सिक्किम में राइड करने के बाद इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, इधर माउंटेन्स में बाइक राइड करने के बाद। शाजीघाट में क्रॉस कर गया, शाजीघाट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। तो गाइस, अभी हूँ मैं रतनगढ़ ब्रिज क्रॉस करूँगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है आज, ट्रैफिक होने भी वाला है क्योंकि बहुत लेट निकला हूँ मैं घर से। तो ये है रतनगढ़ ब्रिज, इसमें पहले बस ट्रक वगैरह जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है, तो रोड भी लगा दिया है, तो इसमें अभी फोर व्हीलर और टू व्हीलर भी जा सकता है, बस वगैरह कुछ भी नहीं जा सकता था। पहले तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सतपुर से अगर कोई बस पकड़ता है तो बाहर एक बस में चला जाता था पहले, तो अभी नहीं जा पाएगा क्योंकि इधर पर बस उठने ही नहीं वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को अभी। अरे कक्का, साइड दे दो। मिक्सर में ही बहुत दिक्कत है, इतना बड़ा मिरर्स है, तो इसलिए आप लोग गैप फिल्टर उतना जल्दी नहीं मार सकते, नहीं तो ये दोनों टच हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। लेकिन पीछे का व्यू काफ़ी अच्छा देता है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं किया अभी तक, नहीं तो मैं चेंज कर देता तब तक। अभी मैं हूँ मध्यमग्राम चौमाथा, इस तरफ का रोड थोड़ा खाली रहता है, खाली है या नहीं, ये थोड़ा खाली है तो थोड़ा खींचते हैं। और इस रोड में एकदम बगल बगल में सब बाइक का शोरूम आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ शुरू होता है हीरो से, हीरो के एकदम बगल में आप लोगों को मिल जाएगा यामाहा, तो इधर पे आप लोग आ सकते हो, क्योंकि इधर कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप लोग MT15 लेते हो या वर्सन से लेते हो, तो उस बाइक का जो कस्टमाइजिंग इस शोरूम से ही कर देता है, कलर वगैरह, रिम्स कलर वगैरह सब कुछ। अभी हूँ मैं डाक बंगलो मोड़ पे, इधर से मैं राइट ले रहा हूँ दत्तपुर के लिए। गाइस, इस रोड के लिए मैं इधर आता हूँ, देखो कितना सुंदर पेड़ है, और बीच में से रास्ता, दोनों साइड ही पेड़ है, लेकिन रोड का हालत काफ़ी ख़राब है। तो जोशो रोड से मैं अभी इधर से लेफ्ट लूँगा,
इस रोड का नाम है दीघा मोड़। ये रोड भी काफ़ी अच्छा है लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो है। घंटे वगैरह नहीं है इस रोड में और थोड़ा देख सकते हो कि ग्राम साइड स्टार्ट हो गया है अभी से। यही दिक्कत है कि रोड जब टर्न लेते हो थोड़ा देख के लेना पड़ेगा क्योंकि नैरो रोड है और इस रोड में लॉरी वगैरह भी चलता है। अभी मैं हूँ दत्तपुकुर में पहुँच गया हूँ गाइस। दत्तपुकुर रेल गेट क्रॉस कर रहा हूँ। जो राइट साइड में है इस तरफ दत्तपुकुर स्टेशन है। तो थोड़ा मेरा काम है, मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। उस भी जगह में मैं नहीं जाऊँगा जहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो इधर माइक वगैरह चल रहा है तो मेरा बात अच्छे से सुन नहीं पाओगे, तो मैं इधर क्रॉस करता हूँ उसके बाद। सो गाइस, काम मेरा जो था वो ख़त्म हो गया है। अभी जा रहे हैं जिस जगह के मैं बात कर रहा था और जिस जगह जाने के लिए मैं अभी आज इधर आया हूँ, उस जगह का नाम है बालीसर। तो बालीसर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा जगह है, हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा लगता है उधर। होप करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। पूरा देख सकते हो बहुत शांत एरिया है इस साइड के तरफ और हम लोग इतना ज़्यादा ट्रैफिक एरिया में रहता है इतना ज़्यादा, तो हम लोगों को इस तरफ काफ़ी शांति फील होता है। रोड देखो कितना सुंदर रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है। बीच में से रास्ता, दोनों साइड पेड़, नेचर का मजा लेने आया है इस तरफ। पहले उतर लूँ। सो गाइस, अभी रुके हैं बालीसर में थोड़ा चाय पीने के लिए, तो इसके बाद निकलूँगा इधर से घर की तरफ। पहले थोड़ा चाय पी लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, अभी घर की तरफ जा रहे हैं। जशो रोड से अभी नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही बेकार रोड है, ऊपर से गड्ढे हुए भरे हुए हुए और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। तो अभी अंदर अंदर से जा रहे हैं। तो आप लोग नज़ारा देखो कैसा है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। खा पी के अभी निकले हैं और जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए छोटा सा एक ब्लॉग था मोटर ब्लॉगिंग का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग।